महाराज आप हमें कृपा करके कुछ बताओ, हम धन्य हो गए आपके दर्शन करके। संतों के तो महाराज दर्शन ही करना चाहिए। हम लोग संतों के पास जाते, महाराज बताओ धन कब मिलेगा, लुगाई कब आए। अरे नक्कटा, संतों के पास गए सत्संग की बात करो, भगवान के भजन की बात करो। संत का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो संत के क्षण को और अन्न के कण को व्यर्थ गवाता वो कुछ भी नहीं पा पाता। परीक्षित जी कहते, महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं। क्या? म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, जिसका मरना तय है उसे क्या करना चाहिए। महाराज जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। यह भी प्रश्न राजा परीक्षित जी का नहीं है, हमारा और तुम्हारा है, क्योंकि मरना हम लोगों को भी है। अब भाई सागर वालों को ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दे दिया हो कि तुम नहीं मरोगे तो बात अलग है, क्योंकि सागर के लोग होते ही बड़े खतरनाक। सागर के चार लोग चंगीलाल मंगीलाल पुंगीलाल फोकटलाल, सागर के चार लोग चंगीलाल मंगीलाल पुंगीलाल फोकटलाल, चारों एक बार होटल गए। होटल होटल के लिए इनके पास नहीं रुपया, फिर भी होटल में गए। होटल में इन्होंने भोजन किया, चारों बोले अब बिल। बोले चिंता मत करो, कुछ देखेंगे, पहले खा लो दबा के। चारों ने भोजन किया, रुपया एक नहीं जेब में। अब बोले बिल कैसे देंगे। चारों आपस में लड़ पड़े, पहले मैं दूंगा। वो बोला नहीं नहीं मैं दूंगा, झूठ मूठ का जेब में हाथ डाल। बोले नहीं नहीं मैं दूंगा। चारों लड़ पड़े, मैनेजर बोले लड़ क्यों रहे हो। अरे बोले देखो भाई रोज रोज ये लोग पार्टी करते हैं, आज हमें देने दो। दूसरा बोला नहीं नहीं हम देंगे। मैनेजर बोला भाई यार कोई भी दो, हमें तो बिल से मतलब। चारों बोले अच्छा एक काम करो मैनेजर साहब, हाँ हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, वो आप अगर चाहते हो कि हम लोग लड़े ना तो एक काम करो, हम लोग दौड़ लगाते हैं और होटल का परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा वही बिल चुकाएगा। मैनेजर ने कहा बहुत अच्छी बात। मैनेजर ने लई सो सीटी बजा दी, फिर लौट के नहीं गए। बोले हो गए भोजन। बाद में जब पता किया मैनेजर ने कि वो लोग कहाँ के थे, बोले सागर के। बोले तो ठीक है, बोले तो ठीक है। बोले सीताराम तो म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्। परीक्षित जी बोले महाराज जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए। महाराज मरना तो सबको है, पर दूसरा प्रश्न जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। उसको अच्छा सातवें दिन, ये भी प्रश्न हम लोगों का है। कैसे? हम लोगों को भी सात दिन के अंदर ही मरना है, चाहे बुधवार को मरो, चाहे गुरुवार को, चाहे शुक्रवार को, चाहे शनिवार को, मरोगे सात दिन के ही अंदर। अब भाई स्पेशल तुम लोगों ने कोई आठवां बना लिया हो टुक टुक बार तो बात अलग है, लेकिन होते तो सात ही बार है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो